चलें आज फिर से हम देखते हैं, एक एरर हमारे पास है सॉल्व करना है प्रोग्राम में, जो कि 32 प्रोग्राम है। इसमें ये हमारे पास प्रोग्राम है जिसके ऑर्डर को हमें रिजोल्व करना है। तो एरर को रिजोल्व करने के लिए हमने यहाँ से डैफ सी प्लस प्लस में आए अपने और यहाँ पे इस प्रोग्राम को लिख लिया। तो सबसे पहला एरर पहली लाइन में है सेमी कॉलन का, जो कि यहाँ से रिमूव करना है। दूसरा एरर, ये मेन फंक्शन लिखा है तो इससे पहले इसकी टाइप बता देते हैं और इसके आगे दो राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं, यहाँ पे सॉल्व हो गया। तीसरा एरर, इसमें डबल और नंबर के नाम से दो वेरिएबल लिए हैं, ठीक है, ये आउटपुट लगाया है इन हाफ टू, ये डिवाइड करेगा प्रोग्राम को, तो सी इन करके जो इनपुट लिया है वो बिल्कुल सही किया नंबर इन में, और यहाँ पर भी यही मिस्टेक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल के बाद लगाया है ये पहले लिखेगा, यानी कि जो हाफ की वैल्यू होगी उसको टू से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हाफ पर अपडेट हो जाएगा। मतलब हाफ में क्या वैल्यू होगी अगर हम देखें, तो हाफ की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो और यहाँ पे नंबर की वैल्यू है, तो हाफ डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर, अच्छा उसके बाद सी आउट फिक्स्ड पॉइंट शो पॉइंट हाफ और यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक और फाइल ऐड होगी जो है एक्सक्लूड आईओ मैन आईपी, आईओ मैन आईपी की एक हेडर फाइल इंक्लूड होगी, जिसके बाद ये नीचे वाला फंक्शन सही तरह काम करेगा, आईओ मैन आईपी, और सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे हम चले जाते हैं सक्सेस के फोल्डर के अंदर, वेंटर के फोल्डर के अंदर, और यहाँ जाके हमने चेक किया इस प्रोग्राम के एरर को क्लास नंबर 22 पर, और ये एरर सॉल्व हुआ है 32 का, एरर सॉल्व 32, ओके। और रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो यहाँ पर प्रोग्राम हमारा रन हुआ और यहाँ पे एक इनपुट पे एरर आ गया, आउटपुट पे कह रहा है सी आउट लेस देन इन हाफ फॉर यू, तो यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है और यहाँ पर भी सेमी कॉलन मिसिंग है, तो ये दो सेमी कॉलन्स लगाए और प्रोग्राम को रन किया। तो अब फिर से एरर आ रहा है इसके अंदर, कह रहा है कि सी इन डायरेक्शन भी सही है, ग्रेटर देन है और नंबर वन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या फर्क है नंबर वन और नंबर में, देखिए यहाँ नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे नंबर और यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे एक एरर बता रहा है कि ये कह रहा है फिक्स पॉइंट वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, ओके फिक्स्ड पॉइंट, आई थिंक सो फिक्स्ड पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, इन द स्कोप में डिक्लेयर नहीं है, अच्छा सिर्फ फिक्स्ड लिखा जाएगा, पॉइंट नहीं लिखा जाएगा, और हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे प्रोग्राम में से एरर निकल गए, एक नंबर देते हैं 4 और इसको डिवाइड करके इसने आंसर दिया 0, ओके। अब ये क्या मसला हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि हाफ की तो कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, जब डिफाइन ही नहीं है तो वो डिवाइड क्या होगा, और डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, मतलब आप कोई भी नंबर डालेंगे वो 2 से डिवाइड होगा, जब वो 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आंसर 0 ही आ रहा है। इसकी वजूहत ये है कि हाफ के अंदर कोई वैल्यू ही डिफाइन नहीं है, इनपुट हम ले रहे हैं नंबर के अंदर, या तो हम इनपुट लें हाफ के अंदर या फिर नंबर को इधर लिखें अगर इनपुट ले रहे हैं। मेरा मशवरा है कि यहाँ पे इसको कर देते हैं, यहाँ पे हाफ के अंदर इनपुट ले लेते हैं, तो अब जो भी वैल्यू हम इनपुट देंगे उसका हाफ दिखा देगा ये, सही है। तो ये देखिए 200 लिखा तो 200 का हाफ कितना हो गया, 100 हो गया, और यहाँ पर ही अगर हमने रन किया प्रोग्राम को और यहाँ पे हमने 525 लिखा और इनपुट किया तो उसका हाफ दिखा रहा है, तो ये प्रोग्राम हमारा क्रैक्ट हो गया, ठीक है जी। पॉइंट में अच्छा ठीक है, तो 33 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर आ रहा है 166.50 आ रहा है, ठीक है ठीक है, समझ में आ गई बात ये, तो ये हमने सॉल्व